मसल्स तक जब मैसेज जाएगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, तो हमारे मसल्स को जब पता चलेगा कि ओके ठीक है, ब्रेन ने हमें एक ऑर्डर दे दिया है, वो फौरन पानी का ग्लास उठाएगा ये बंदा और पी लेगा। अब हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड द स्टिमुलस। अब वो हमें पहले बता रहे हैं कि स्टिमुलस क्या है, ठीक है। कोई भी ऐसा चेंज जो इन्वायरमेंट में आ रहा है एक्सटर्नली, यानी हमारी बाहर के इन्वायरमेंट में या हमारी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसमें भी अगर कोई चेंज आ रहा है, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड द स्टिमुलस। वो क्या होगा, अगर कोई भी चेंज आया है उसको हमारी बॉडी डिटेक्ट करेगी रिसेप्टर्स के थ्रू और एक नर्व इम्पल्स जनरेट करेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे। प्लूरल इसका क्या है, स्टिमुलाई है। हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्टिमुलाई। अब वो हमें बता रहे हैं कि हमारे स्टिमुलाई क्या हैं, कि हमारे जो हैं हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है या साउंड वेव्स हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे स्टिमुलाइज हैं। द स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स विच डिटेक्ट द स्टिमुलाई आर कॉल्ड द रिसेप्टर्स। वो स्पेशल ऑर्गन्स या वो टिश्यूज या वो सेल्स जो इस स्टिमुलस को, जो भी स्टिमुलस क्या है, एक्चुअली एक चेंज है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे वो हमारी बॉडी से बाहर का चेंज है या हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ रहा है, तो ये बेसिकली ये स्टिमुलाई है। और इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट कौन करेगा, डिटेक्ट करेंगे हमारे रिसेप्टर्स जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेज रिगार्डिंग द स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है कि वो ये जो मैसेज है, ये जो कि स्टिमुलाई की वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, इसको क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जो है रिसेप्टर से कहाँ तक लेके चले जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेज एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन्स। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जब यह मैसेज जाएगा तो वो वहाँ पर उस मैसेज को प्रोसेस करेंगे, देखेंगे उस मैसेज को क्या क्या कर, बॉडी को किस तरह से इसको रिस्पॉन्स करना चाहिए इस मैसेज को। तो उसके बाद जब वो प्रोसेसिंग हो जाएगी हमारी ब्रेन में, तो उसके बाद ये मैसेज जो है वो आगे कहाँ तक चला जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स में चला जाएगा और नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाएगा। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्स टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्स। जब मोटर न्यूरॉन्स इस नर्व इम्पल्स को अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी मुनासिब जो जिस भी पार्ट ऑफ बॉडी को रिस्पॉन्स करना है उस तक लेकर जाएगा, तो जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। सच पार्ट्स आर कॉल्ड द इफेक्टर्स। जो अब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, इफेक्टर्स कहेंगे। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज द इफेक्टर्स। हमारे जो मसल्स हैं वो एज अ इफेक्टर काम कर रहे हैं, और जो ग्लैंड्स हैं हमारे कुछ बॉडी में उनको वो भी एज अ इफेक्टर काम करें। इस डायग्राम में अगर देखें तो यही सारा कुछ पहले भी समझाया गया था कि उसी को इन्होंने रिटन फॉर्म में लिख दिया है। इस जो है डायग्राम में अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है, मसल्स इफेक्टर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, कि जो भी रिस्पॉन्स था उसको उन्होंने ब्रेन तक भेजा, पहले ब्रेन ने उसकी प्रोसेसिंग की, उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेज दिया हमारे मसल्स को कि वो पानी का ग्लास उठाकर पी लें। तो इस केस में जो इफेक्टर्स हैं वो कौन है, हमारे मसल्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्शंस कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनके बारे में थोड़ी सी बात पहले भी हुई थी, लेकिन दोबारा अब इस पर डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है। दो तरह के एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक हैं वॉलेंट्री एक्शंस, एक हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस ये हैं जो हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, और इनवॉलेंट्री एक्शंस वो हैं जो हम नहीं कंट्रोल कर रहे, हमारा ब्रेन जो है उन्हें कंट्रोल कर रहा है खुद ब खुद, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शंस क्या हैं, the body actions which are performed under the conscious control, that is which are done after thinking over them is called the voluntary actions. वो actions जो के हमारे conscious control, मतलब हम अपने पूरे ध्यान में वो काम कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, voluntary actions. which are done after thinking, मतलब हम वो काम सोच समझ कर मतलब कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, वॉलंट्री एक्शन। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं, हमने क्या बोलना है, हमें पता है, हमने पूरे कॉन्शियस माइंड से पूरे ध्यान से हम वो चीज़ बोल रहे होते हैं। हमने जो खाना खाना है हमें पता होता है कि हम खाना खा रहे हैं,
रीडिंग कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम क्या रीड कर रहे हैं, चल रहे हैं हमें पता है कि हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं हमें पता है कि हम भाग रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं हमें पता होता है कि हम ने अब क्लैपिंग करनी है और हम क्लैपिंग करते हैं। तो ये जो सारे एक्शंस हैं ये कौन से एक्शंस हैं? वॉलेंट्री एक्शंस हैं, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो हैं जो हम अपनी मर्जी के बगैर खुद ब खुद वो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस। द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री एक्शंस। वो तमाम एक्शंस जो कि बगैर सोचे समझे खुद ब खुद परफॉर्म हो रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। वो जो है कॉन्शियस कंट्रोल में, मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा ध्यान है तो तभी वो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, अगर हमारा ध्यान नहीं भी है, हम अनकॉन्शियस हैं, तो भी वो सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं। अब उनकी एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तो हमें सही तरीके से समझ आएगा कौन से एक्शंस इनवॉलेंट्री और कौन से वॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री में कौन कौन से एक्शंस आ जाते हैं? हार्ट बीट, हम सो रहे हैं तो भी हमारा हार्ट बीट कर रहा है। ब्रीदिंग है, हम सो रहे हैं तो भी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ब्लिंकिंग ऑफ आइज इस तरह से है कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच करेंगे तो क्या होता है कि हमारा जो है फ़ौरन से हमारा हाथ जो है वो पीछे को खींचता है। ठीक है, ये क्या था कि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन था, हमारे हाथ का फ़ौरन से गर्म चीज़ को टच करने के बाद पीछे हट जाना, ये क्या है? हमारा हाथ का पीछे हटना इनवॉलेंट्री एक्शन है, बगैर सोचे समझे ये हमने एक्शन परफॉर्म किया, हमने सोच समझ के हाथ पीछे नहीं करते। ठीक है, यह खुद ब खुद हमारा हाथ पीछे हो जाता है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज इस तरह से है कि जैसे ही हम स्नीज कर रहे हैं, ठीक है, छींक मार रहे हैं, तो हम लाख चाहें कि हमारी आंखें ना बंद हों फिर भी हमारी आंखें बंद होती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है कि जैसे ही हम स्नीज करेंगे हमारी आंखों ने बंद होना है। ठीक है, अगला है मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये भी इनवॉलेंट्री है सारा, हम चाह के मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करवा रहे होते, खुद ब खुद हमारा ब्रेन ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। आर द एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन, ये सारी एग्जांपल्स किसकी थी? इनवॉलेंट्री एक्शंस की। अगली चीज़ है रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। कह रहे हैं कि कोई भी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, इमीडिएट फोरी या इनवॉलेंट्री मतलब जो हम कंट्रोल नहीं कर रहे उसको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ऐसे रिस्पॉन्सेज किसी भी स्टिमुलाई, कोई भी चेंज हमारे अराउंड आया है और उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने कोई इमीडिएट या इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स दिया है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने बताया था कि जैसे हम ये जो फ़ौरन से हाथ पीछे कर रहे हैं किसी भी गर्म चीज़ को टच करने के बाद, तो ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन था। कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। तो इस हाथ का पीछे चले जाना गर्म चीज़ को टच करने के बाद, ये एक एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन की। इन दिस एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन शोन इन फिगर 1.7 टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज अ स्टिमुलाई। अच्छा, अब इस डायग्राम के थ्रू भी उन्होंने हमें समझाया, लेकिन हम पहले रीडिंग करेंगे और फिर डायग्राम को देखेंगे। वो कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज अ स्टिमुलाई विच इज़ रिसीव्ड बाय द सेल्स या रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन। ओके, वो कह रहे हैं कि जो गर्म चीज़ थी उसका जो टेम्परेचर था, ठीक है, जैसे ही हमने उसको टच किया हमने देखा कि इस चीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हमारे जो सेल्स थे उन्होंने, जो हमारी टिप्स पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उन्होंने इस चीज़ को डिटेक्ट किया कि इस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये जो टेम्परेचर ज़्यादा होना है ये हमारी बॉडी के लिए एक स्टिम्यूलाई बन गया है। अ नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन द स्किन। वो कहेंगे कि जैसे ही हमने गर्म चीज़ को टच किया, हमारी बॉडी ने उस चीज़ को डिटेक्ट किया, तो फौरन एक नर्व इम्पल्स हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होगी और वो कैसे बनेगी? सेंसरी न्यूरॉन्स जो है हमारी बॉडी में जो भी प्रेजेंट है उनके थ्रू वो जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होगी। द नर्व इम्पल्स इज कैरिड बाय द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो नर्व इम्पल्स है ये फ़ौरन कहाँ से आएगी? सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। द इंटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन्स। अब इंटर न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है उन्होंने फ़ौरन से इस मैसेज को कहाँ पर आगे ट्रांसमिट कर दिया? हमारे मोटर न्यूरॉन्स तक। मोटर न्यूरॉन्स ने क्या करना है? इसको इस मैसेज को इफेक्टर्स तक लेके जाना है। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द इम्पल्स टू द आर्म मसल्स, या इनको हम क्या कहेंगे? इफेक्टर्स।
द आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द हैंड इज पुल्ड बैक। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब इफेक्टर्स तक ये मैसेज चला जाएगा, मसल्स तक ये मैसेज जाएगा, तो फौरन क्या होंगे कि वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा हाथ उस गर्म चीज़ से पीछे चला जाएगा। द पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स विच कम्प्लीट्स द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, पूरा पाथवे सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू नर्व इम्पल्स का जेनरेट होना, फिर उसका इंटर जो है न्यूरॉन्स तक जाना, उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स तक जाना, ये जो पूरा एक पाथवे था उस नर्व इम्पल्स का, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स, अ सेंसरी न्यूरॉन, एन इंटर न्यूरॉन, अ मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। पांच चीज़ें इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व हुई थी। सबसे पहले रिसेप्टर्स ने इस चीज़ को सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन्स ने नर्व इम्पल्स जनरेट की, सेंसरी न्यूरॉन्स से वो नर्व इम्पल्स इंटर न्यूरॉन्स तक गई, इंटर न्यूरॉन्स के बाद वो मोटर न्यूरॉन्स तक गई, और मोटर न्यूरॉन्स के बाद जो है, जब वो मोटर न्यूरॉन्स तक गई तो इफेक्टर्स ने एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, जो इफेक्टर्स जो यानी हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए और हमारा हाथ उस गर्म चीज़ से पीछे हट गया।